नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल इंटीरियर वुड डिजाइनर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हैंडल डिज़ाइनिंग। जैसे कि अगर आपको कपाट के अंदर हैंडल लगाने हैं, ड्रॉवर के हैंडल हुआ, कपाट के हैंडल हुआ, वार्डरोब में स्लाइडिंग डोर को हैंडल हुआ, तो अलग अलग वेराइटी जैसे कि अलग अलग क्वालिटी के हैंडल आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की बात करें तो यहाँ पे जो हैंडल दिख रही है मैट फिनिश में कंसील हैंडल है, और ये हैंडल है मैट फिनिश में। ये भी इसकी साइज की बात करें तो ये 7 इंची लंबाई में है और 1 इंची चौड़ाई में। ये आपको लॉफ्ट में लगा सकते हैं। मैं आपको वीडियो के आगे आपको दिखाऊंगा कि इसको लगाने के बाद में कैसे दिखे, कहाँ पे लगाना चाहिए आपको, और ये वाला कपाट के अंदर लगा सकते हैं अलग अलग। जैसे कि ये ब्लैक कलर का जो हैंडल आप देख रहे हैं, ये हैंडल हम लोगों ने जैसे कि बड़ा जो वॉलड्रॉप रहता है, डबल डोर का जो अलमारी रहता है, उसमें हम लोगों ने लगाया है। तो ये लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो जितने भी ये हैंडल है उसकी फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इसको अगर आपको पाए करना है, आपको ख़रीदना है, तो ऐसे ही और भी मैं हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं वीडियो में। चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है, 1.5 इंची है, तो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये वाला हैंडल की बात करूँ तो ये जो हैंडल है, ये जैसे बेड का जो ढक्कन रहता है उसको ओपन करने के लिए भी लगता है। जहाँ पे अगर ड्रॉवर में लगाना है तो वो भी वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये जो रहता है कंसील तो ज़्यादा कंसील नहीं, थोड़ा बाहर दिखेगा आपको। ये हैंडल की बात करूँ तो ये हम लोगों ने पुल आउट में लगाया हुआ है। इसमें अलग अलग वेरायटी आपको मिल जाएगी, जैसे कि 2 कलर में मिल जाएगी। ये ब्लैक कलर में भी है, यहाँ पर हम लोगों ने ये ब्लैक कलर पुल आउट में लगाया हुआ है। ये व्हाइट के साथ में हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो इसका जो शाइनिंग वाला भाग भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप ये हैंडल लगा, आपको लॉफ्ट है या कहीं पे भी अगर पुल आउट है या ड्रॉवर है, बड़ा सा ड्रॉवर है, तो उसके अंदर आप ये लगा सकते हैं। जो आपके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अगर आपके सरमाइका के हिसाब से, जो भी डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपका जाता है तो लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग है, आप इस हैंडल को भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद में इस प्रकार से दिखेगा। इसको लगाने के लिए आपको 1/2 इंच का खाँचा करना पड़ेगा अपने प्लाई के अंदर, तो खांचा करने के बाद में आपको ये पूरा लेवल हो जाएगा बाहर से। ये वाला हैंडल हम लोगों ने बेड के जो प्लाई रहता है, ऊपर जो ढक्कन रहता है पल्ला, उसको खोलने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये पूरा गादी के अंदर ढक जाएगा तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे ये हम लोगों ने वीनियर के साथ में, कॉम्बिनेशन के साथ में ये लिया हुआ है। जैसे कि डोर डबल डोर है तो उसको हम लोगों ने लगाया हुआ है। 7 इंच का हैंडल है, तो इसका भी ये जो बहुत ही सिंपल हैंडल है, दिखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको कपाट के अंदर लगने के बाद में। और ये वाला हम लोगों ने लॉफ्ट के अंदर लगाया हुआ है, ऐसे इसको लॉफ्ट में लगा सकते हैं और ये आराम से आपको खोलने के लिए इजी रहेगा। इस प्रकार से और भी हैंडल, जैसे कि स्लाइडिंग डोर के हैंडल है, यहाँ पे हम लोगों ने स्लाइडिंग डोर का जो हैंडल है ये आपको कंसील करके पूरा हम लोगों ने अंदर बिठाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये 1.5 इंची का हैंडल है और ये अपना 10 इंच का हैंडल लंबाई है उसका, 10 इंची। इस प्रकार से आप उसको लगा सकते हैं स्लाइडिंग के लिए, अच्छा हैंडल रही। ये कपाट के अंदर हम लोगों ने लगाया है, जैसे कि ब्लैक कलर का 12 इंच का जो इसका साइज है, 1.5 इंची चौड़ाई में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको लगा के दिखाया आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं और एक अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।